नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा द्वारा 2021-22 की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फरुखाबाद से विमलेश मिश्रा, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष साक्षी वर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष श्रेया सिंह के अलावा 5 प्रदेश महासचिव, 5 प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश सचिव के अलावा 5 उप सचिव सहित 101 लोगों की सूची घोषित की गई। इस बार हिंदू महासभा प्रदेश कार्यकारिणी में 11 प्रदेश महासचिव, 11 प्रदेश उपाध्यक्ष, 11 प्रदेश सचिव, 11 प्रदेश उप सचिव, 1 संगठन मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं, जिसमें सक्रिय सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी में के लिए किए गए हैं। इसके अलावा 21 विशेष आमंत्रित सदस्य भी प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे। प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव के रूप में चंद्र प्रकाश त्रिपाठी कानपुर से, कुंवर कीर्तिमान सिंह बुंदेला ललितपुर से, प्रमोद सिंह प्रयागराज से, डॉक्टर दीपक त्यागी हापुड़ से, आकाश सक्सेना पीलीभीत से प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में सुशांत त्यागी मुजफ्फरनगर से, अजय शर्मा श्यामली से, पुष्पेंद्र वाजपेयी हरदोई से एडवोकेट, विनोद पांडे प्रयागराज से, संजीव राणा सांगरपुर से प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा प्रदीप कश्यप नोएडा से, गौरव दीक्षित पीलीभीत से, शिवम काम्बोज सहारनपुर से प्रदेश सचिव के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सुरेश कुमार रावत प्रदेश प्रवक्ता मुजफ्फरनगर से, प्रदीप कुमार शर्मा प्रदेश प्रवक्ता बरेली से, जितेंद्र सिंह बघेल प्रदेश सचिव प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। बाकी सदस्यों की सूची 1-2 दिन में शामिल की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि NRC और CAA का समर्थन करने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। देश के दुश्मन हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता। बलवाइयों के घर बरसी मनाने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए उनका हालचाल पूछने गए तो यह देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, क्योंकि देश के दुश्मनों का साथ देने वाले भी देश के दुश्मन होते हैं। हिंदू महासभा प्रदेश सरकार से अनुरोध करती है कि ऐसी पार्टियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। आज अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश 2021 और 2022 की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें इस बार 101 सदस्य को रखा गया है। ये हिंदू महासभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी कार्यकारिणी आज घोषित की गई है। आज हिंदू महासभा उन सभी पार्टियों को चेतावनी देना चाहती है जो देशद्रोहियों के सीधे संपर्क में रहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि तक पहुंचाते हैं। जो लोग ऐसे हैं, देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ तो एक ही कानून होना चाहिए, सीधे चौराहे पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। हिंदू महासभा प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग करती हैं कि कांग्रेस के जो नेता आज श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज किया जाए, क्योंकि ऐसे नेता केवल देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को विभाजित करने का काम करते हैं एवं देश को गुमराह करने का कार्य करते हैं। तो हिंदू महासभा मांग करती है कि ऐसे नेताओं को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।